साहब बैठा और शहबाज शरीफ की तकरीर कर रहा हूँ। तबाह कर दी, मनफी 1.5%, 5.8% से लिया है बेरोजगारी, 40 से 50 लोग लाख लोग बेरोजगार हो गए। और आज प्रोपेगेंडा किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कोरोना की वजह से मईशत खराब हो गई। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि आपकी अकल का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आप सिर्फ इंतकाम लेना चाहते हैं, ये सब कुछ आखिर में। भाइयों, आपका भी शुक्रिया कि आपके कैमरों के तवसुत से आज पाकिस्तान की आवाम को और ये तमाम खतरात मोल लेते हुए जो इस वक्त कोरोना के, लेकिन सच्चाई पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचा रहे हैं आप लोग इंशाल्लाह। ये मकसद इस वक्त नैब का, इमरान खान की नालायकी, नाअहली और चोरी और सब कुछ इमरान खान के हुक्म के ऊपर। और अगर चैलेंज है मेरा दोबारा एक दफा चेयरमैन नैब को करें गिरफ्तार, इमरान खान को करें गिरफ्तार, बुजदार को, उसके बाद पता चलेगा कि नैब जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। शहबाज साहब कहाँ हैं? लाहौर में है, आउट ऑफ सिटी है अभी जी। हमने तो टीवी पे देखा कि नैब की टीम नौटंकी करने आ गई है, आपके सामने में आई अभी, तो अभी हम पता करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम को, और हम भागने वालों में से नहीं है। मैं बार बार ये बात बता चुकी हूँ कि जिन्होंने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया हो, 11,000 मेगावाट बिजली दी हो, रोजगार दिया हो, मेट्रो दी हो, मोटरवे दी हो, मंसूब जिनसे ये नलायक आज तक तख्तियां लगा रहे हैं और थक जाएंगे लगाते लगाते नवाज शरीफ के मंसूबों पर, हम भागने वालों से नहीं है। हमने आईन और कानून की पासदारी की है और इंशाल्लाह कल हाई कोर्ट के अंदर जो हमारी बेटी है वहां हम जाएंगे और पाकिस्तान की आवाम को और भी हकीकत बताएंगे।